नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का फार्मर लाइफ पीके के एक न्यू वीडियो में। किसान भाइयों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोग जो हाँ सब किसान भाइयों को सबसे बड़ी समस्या होती है कि उनके पशु हैं, जानवर हैं, जो डिलीवरी के बाद उनका जेर का ना डालना, जेर मेला जो होता है उसका ना डालना, वो अंदर ही रह जाती है और उसको कई नुकसान होते हैं पशु को भी और पशुपालक को भी। तो इसके बारे में आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि कैसे हम अपने जो डिलीवरी के बाद है अपनी गाय भैंस की जो है केयर कर सकते हैं, उसकी जो जेर वगैरह है उसको ही समय पर निकाल सकते हैं, बाहर कर सकते हैं मैल वगैरह को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, आज के इस नुस्खे को करने के लिए हमारे लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होंगी वो बिल्कुल घरेलू नुस्खे हैं। इस नुस्खे को कर कर आप अपने पशु को जो है समय पर ही जेर वगैरह की समस्या से निजात पा लेंगे और अपने पशु में जो है पूरा दूध भी आने के बाद पाएंगे। तो इस नुस्खे को करने के लिए हमें सबसे पहली चीज़ जो चाहिए पड़ेगी वो है अजवाइन। 40 से 50 ग्राम हमारे लिए अजवाइन की आवश्यकता पड़ेगी और 40 से 50 ग्राम ही हमारे लिए आवश्यकता पड़ेगी जो सूखा अदरक आता है, सौंठ जिसको भी बोलते हैं उसकी, और 40 से 50 ग्राम हमें जीरा चाहिए पड़ेगा, जो सामान्य सी चीज़ है जो रसोई में उपलब्ध होती हैं। और इसके साथ हमारे लिए चाहिए पड़ेगी मेथी दाना। मेथी दाने की आवश्यकता पड़ेगी हमारे लिए 200 से 300 ग्राम और 2 से 3 चम्मच जो है हल्दी की आवश्यकता पड़ेगी इस नुस्खे को बनाने के लिए। तो हमारे लिए करना क्या है, हमारे लिए डेढ़ से दो लीटर पानी लेना है और जो सामग्री मैंने आपको बताया है जितनी मात्रा में, जैसे 40 से 50 ग्राम अजवाइन, 40 से 50 ग्राम जो है सौंठ अदरक सूखा हुआ और 40 से 50 ग्राम ही जो है 250 से 300 ग्राम जो मेथी दाना, गुड़। अब इन सभी चीज़ों को हमारे लिए क्या है, एक बर्तन में ले लेना है और मेथी दाना को आप चाहें तो पहले ही फुलो कर रख सकते हैं, पानी में डुबो कर भिगो कर रख सकते हैं ताकि ये जो है थोड़े नरम हो जाएं। और इनको जो है हम आप 1.5 से 2 लीटर पानी में भिगो कर इनको उबालना है। जब पानी आधा रह जाए, यानी कि 2 लीटर पानी लिया अगर हमने तो वो 1 लीटर बचे और ये सभी उसमें एकदम से पक जाएंगे जो हमने सामग्री ली है। अब इस सब सामग्री में हम जब 1 लीटर पानी बचेगा तो इसमें गुड़ डाल करके इसका जो है हम चाय की तरह इसका काढ़ा बना लेंगे। और उस काढ़े को बनाने के बाद अपने पशु को जो है उसको जो है ना ज़्यादा ठंडा हो ये काढ़ा और ना ही ज़्यादा गर्म हो, इस अवस्था में इसको हम अपने पशु को पिलाएंगे तो आप देखेंगे 1 से 2 घंटे के अंदर ही वो जो मैला या जड़ वगैरह रह गई है वो डाल देगा और दूध में भी बढ़ोतरी होगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि और भी किसान भाइयों को फ़ायदा हो सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।